सर्विसेज विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना। तो देखेंगे ये विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना जो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा ओमकारेश्वर डैम के ऊपर, और ये तकरीबन 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा और यह 2023 तक चालू हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कौन सा है या कौन सा सोलर संयंत्र है। उसके बाद भी हम देखेंगे कि क्या ये जो सोलर संयंत्र है जो हमारे भारत का बनेगा, कहीं भारत से पहले कोई विश्व का तो नहीं बना रहा है। ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कौन कौन से बिंदुओं पे, यानी कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें नंबर एक पर जो बिंदु होगा, तो इस परियोजना के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये आखिर परियोजना क्या है, यानी ये परियोजना के विषय में जानेंगे कि ये 600 मेगावाट का है तो ये किन किन लोगों ने इसमें वित्त सहायता किया है, क्या है उसके बारे में जानेंगे। दूसरी चीज जो हम इसमें जानेंगे, परियोजना की प्रमुख विशेषता, यानी इसकी खासियत क्या है, आखिर ये क्यों यूनिक है ये परियोजना। उसी तरह तीसरी चीज जो हम लोग देखेंगे वो तैरता हुआ सौर षड्यंत्र क्या है, यानी कि जो सोलर जो होता है प्लांट, ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट आखिर है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे ये। तो फिर हम देखेंगे कि ये जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है उसमें है कि ये दो प्रकार के होते हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो ये दो प्रकार के कौन कौन से प्रकार है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद देखेंगे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के क्या लाभ है, आखिर जो हम जमीन पे बनाते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसको क्यों बेनिफिशियल माना जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस सब पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों को फिर मैं याद दिलाता चलूं कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके काम में बाधा ना हो और हम आपका मैप क्लास शुरू कर दें। वैसे तो हमारा क्लास चल ही रहा है, जूम क्लास चल रहा है आपका, तो ये जूम क्लास पे आप आएंगे तो आपको फ्री में जूम क्लास होगा, और ये आप अगर 500 सब्सक्रिप्शन के बाद आएंगे। आप सिर्फ करना क्या है कि आप अगर हमसे कॉन्टेक्ट करें, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या आप हमको मैसेज भेज सकते हैं, हमारे ग्रुप है चाहे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी ग्रुप पे आप भेज सकते हैं या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, और आपके जो ग्रुप है उस पे भी इस वीडियो को शेयर करें। आप सिर्फ एक शॉट ले लेंगे जिसमें हमारा चैनल का सब्सक्रिप्शन दिखता हुआ कि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपका यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो अभी 500 पूरा नहीं है, तो आप लोग जो है अभी 500 के अंदर में ही होंगे सब लोग, तो तुरंत चैनल सब्सक्रिप्शन करके आप वो फोटो हमको भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्षमता के हिसाब से विश्व के शीर्ष 5 तैरते सौर संयंत्र कौन सा, यानी कि कैपेसिटी, जैसे 600 मेगावाट है तो कोई 200 है, कोई गीगावाट में भी हो सकता है। तो देखेंगे कौन सा है ये टॉप 5 या 2023 तक कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें हम 2023 का भी शामिल किए हैं जो 2023 में चालू होगा, जैसे कि हमारा भारत का, और जो वर्तमान में उसको भी हमने शामिल किया है। तो उसमें हम ये भी दिए हैं कि ऑपरेशन कौन सा वर्ष होगा, ये सारी चीजें, इस सारी चीजों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसके बाद हम लोग एनिमेशन देखेंगे कि सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना जो वर्तमान में है, ठीक, तो वो जो तैरती सौर परियोजना है उसका एनिमेशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए ये सब देखेंगे। तो ये सब देखने के लिए इससे पहले हम शुरू करें, इससे पहले आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और इसे सभी ग्रुप पे शेयर करते रहें। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे इस परियोजना के बारे में देखते हैं। तो भारत में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण करेगी भारत सरकार, और योजना के निर्माण जो है, जैसे कि मैंने बताया, ओमकारेश्वर डैम जो नर्मदा नदी में के बांध पर किया जाना है, और यह परियोजना 2022 से 2023 तक, यानी कि अब तो ये 2023-22 तो अब होगा नहीं, तो यह अब 2023 तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगा। तो ये आपका हो गया। उसी तरह अब हम लोग जानते हैं परियोजना के विषय में, आखिर ये परियोजना है क्या। तो परियोजना के बारे में अगर हम जाने तो इसको अगर देखते हैं तो परियोजना की जो क्षमता होगी, जैसे कि मैंने बताया 600 मेगावाट होगा,
और यह परियोजना की अनुमानित लागत जो है वो 3000 करोड़ रुपये है, यानी इसको 3000 करोड़ रुपये में तैयार किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व बैंक इस परियोजना को फाइनेंस करेगा, यानी इसको वित्तीय सहायता देगा। इसके बाद की बात अगर हम करें आगे चलते हुए, तो परियोजना की प्रमुख विशेषता जो मैंने बताया कि इसकी विशेषता आखिर है क्या, क्यों ये यूनिक है, तो इसमें देखेंगे। नंबर एक, परियोजना में बिजली उत्पादन की क्षमता, पहली बात तो है कि ये 600 मेगावाट, ये काफी बड़ा है अगर सोलर ऊर्जा की बात अगर हम करें तो उसी तरह से ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर के ऊपर ये पैनल लगाया जाएगा, ठीक है, ये भी एक खासियत है। दूसरी चीज इसकी विशेषता है कि इस परियोजना को 2 साल में पूरा किया जाएगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि 22 से उत्पादन करना तो आप 23 से करेगा, चूंकि 2020 और 21 तो वैसे ही चला गया आपका, पैंडेमिक के भेंट चढ़ गया, सारी दुनिया थम गई, तो वो रुकेगा ही रुकेगा। उसी तरह से बांध में सोलर पैनल लगाकर लगभग आप समझिए कि 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में ये ऊर्जा पैदा कर रहा है, यानी बिजली पैदा कर रहा है। उसी तरह बांध के जल स्तर के आधार पे, जो बांध का जो जल स्तर होगा उसके अनुसार, यानी जल ऊपर बढ़ेगा तो ये सोलर पैनल अपने आप ऊपर आ जाएगा, नीचे होगा तो नीचे जाएगा, तो ये समायोजित हो जाएंगे, मतलब उसके साथ। और बाढ़ आ गया या शक्तिशाली लहरें आ गई तो वो दोनों इस सोलर पैनल को प्रभाव नहीं करेगा, नहीं होगा, अर्थात जो कोई बाढ़ आ जाता है या कुछ भी होगा तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी सोलर पैनल अपने आप ऊपर नीचे होते रहेंगे, एडजस्ट होता रहेगा। तो आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं, तैरता हुआ सौर षड्यंत्र आखिर है क्या, यानी ये जो आपने बताया खासियत विशेषता इस परियोजना का, तो ये आखिर जो तैरता हुआ सोलर षड्यंत्र होता है तो ये आखिर होता क्या है, इस पे भी चर्चा हम लोग कर ले। तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र उन संरचनाओं पर आधारित सौर पैनल को संदर्भित करता है, यानी समझा जाता है जो पानी की सतह पे तैरते हैं, यानी पानी की सतह पे वो फ्लोटिंग करता हुआ होगा तो उसको तैरता हुआ सौर परियोजना कहा जाता है। अब इसमें 2 प्रकार के सोलर पावर प्लांट होते हैं, वो कौन कौन से उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें नंबर एक जो होता है वो आपको फोटोवोल्टिक सोलर ऊर्जा संयंत्र होता है, जिसको फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट कहा जाता है, जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर स्थापित, यानी जो प्लेटफॉर्म आपकी है उस पर क्या होगा, फोटोवोल्टिक को आप लगा दिए उस पर ये चढ़ता रहता है, काम करता है, तो उसको कहते हैं फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक जो ऊर्जा संयंत्र। दूसरा जो होता है वो होता है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा केंद्रित प्रणाली, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम। उसमें क्या होता है कि इसमें एक टावर पर सौर ऊर्जा को पुनर्निर्देशित, यानी इसको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, और एक दर्पण का उपयोग किया जाता है और ये मिरर से वहां भेजा जाता है। तो इसको आप इस तरह से समझें कि ये जो फ्लोटिंग कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम है वो इस तरह से होता है कि ये आपका सोलर वोल्टिक पैनल लगा हुआ है, उससे सोलर एनर्जी लेके बैटरी में चार्ज होता है और उस बैटरी से फाइनली आप ये करते हैं। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड, वो एक टावर पे आता है और यहाँ से मिरर उसको कॉन्सेंट्रेट करता है और इसको हीट करता है, तो वो उस तरह से समझे जिस तरह से कोई पावर प्लांट होता है और एनर्जी पैदा करता है, उस तरह का एनर्जी इससे मिलता है, आप समझिए। तो इससे ये फायदा है कि आप बड़े बड़े चीज इससे चला सकते हैं जो बैटरी से नहीं चल पाता है, तो ये एक खासियत है ये फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा केंद्रित प्रणाली में। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के आखिर लाभ क्या है, यानी इसके क्या क्या फायदे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका अगर हम देखें तो इसके लिए कोई जमीन की जरूरत नहीं होती है, जो आप जानते हैं कि जो कोई भी पावर प्लांट होता है या कोई भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी होता है उसमें सबसे ज्यादा पहले जरूरत पड़ती है जमीन की, और जब जमीन की पड़ती है तो फिर विस्थापित लोग होते हैं, बहुत सारे बस्तियां को खाली की जाती है, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी भी हो, देखते हैं कि डूब क्षेत्र में बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, तो इसके लिए जमीन की जरूरत होगी और ये जमीन इसमें नहीं पड़ेगी, यानी जहां आपका पानी है, जहां आपका पहले से झील है वहां पे आप लगा दो इसको, तो इसमें जमीन की जरूरत नहीं होगी, अर्थात लैंड ग्रेविंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी बहुत बड़ा जो
संकट है जो जिसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे आप बच सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये पानी के वाष्पीकरण को भी कम करने में मदद करेगा, अर्थात ये होगा ये जो पानी है वो कम इवेपोरेट होगा। जब कम वाष्पीकरण होगा तो इसका मतलब जल स्तर बना रहेगा, तो वो रुका रहेगा, ये पानी की बचत हो गई। उसी तरह से सौर ऊर्जा संयंत्रों के पैनल के नीचे पानी के परत द्वारा उत्पन्न जो है एक प्राकृतिक शीतलन प्रणाली होती है, यानी वो ऊपर होगा तो वो हमेशा पानी को कूल किए रहेगा, तो ये भी एक इसका फायदा, एक लाभ है। और चौथी बात जो है वो ये जो होता है शीतलन, जैसे कि मैंने बताया ये प्राकृतिक प्रणाली के तहत होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको और जो डूबे हुए पीवी मॉड्यूल है जो फोटोवोल्टिक है, इसको SP2 कहा जाता है, यानी सबमर्ज फोटोवोल्टिक सोलर पैनल, तो उसके उपयोग करके भी इसको ठंडा कर सकते हैं। एक तो प्राकृतिक भी हो सकता है, दूसरा उसको नीचे डुबा के भी हम ठंडा कर सकते हैं, तो ये दो तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये सारी खासियत होती है कि जमीन की जरूरत नहीं है, पानी की बचत होगी, आपको पानी की पानी गर्म नहीं होगा, उसका शीतलन होगा, तो ये सारी चीजें इसके फायदे हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्षमता के हिसाब से विश्व के शीर्ष 5 तैरते ऊर्जा संयंत्र यानी टॉप कौन हो सकता है अगर हम देखें वैश्विक स्तर पर। तो जैसा कि हमने बताया कि जो अपना है भारत का जो मध्य प्रदेश में होने वाला है ये तकरीबन 600 मेगावाट है, तो 600 मेगावाट है तो ये आप समझें तो टोटल में ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा अगर ये 2023 में। नंबर एक पे आएगा सेमेंजियम फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ये दक्षिण कोरिया बना रहा है। अब इसका कितनी क्षमता है उसके बारे में भी हम लोग जिक्र कर ले, तो इसकी क्षमता है 2.1 गीगावाट, मेगावाट नहीं गीगावाट। अब समझिए आपके जो मध्य प्रदेश में बनने वाले उससे कई गुना बड़ा है, तो ये नंबर एक पे हमने रखा। और इसकी जो ये बन रहा है ये स्थान इसका कहाँ है, तो स्थान हम देखेंगे तो सेमेंजियम ये पीले सागर के तट पर एक ज्वारीय मुहाना है ना, ज्वारीय मुहाना है जहाँ से होता है। अब ज्वारी क्या होता है, मुहाना क्या होता है, ये सारी चीज़ों को अगर आपको जानना हो तो आप हमारे ज्योग्राफी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा डेल्टा के बारे में, नदी के विभिन्न इसके बारे में, तो नदी के विभिन्न प्रारूप क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर ये सारी चीज़ें जाननी हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सब पे हम शॉर्ट वीडियो लाने वाले हैं जो आपके जो पढ़ाई में काफ़ी मददगार होगा और आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एनिमेशन से एक एक चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। तो दूसरा चीज देखें संचालन वर्ष ये कब होगा, तो 2023 में अपेक्षित है कि 2023 में ये हो जाएगा, कब होगा पता नहीं लेकिन 2023 तो है ही। दूसरा जो है अपने भारत वाला है ओमकारेश्वर बांध पर तैरता सौर पंप जो भारत का है, ठीक, तो इसमें हम देखेंगे इसका क्षमता जो है वो 600 मेगावाट का है, यानी 600 मेगावाट है, जैसा कि इसके बारे में चर्चा किया है मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध, और इसका भी 2023 तक संचालन वर्ष है। तीसरा जो है वो आपका चीन में है, उसका नाम है होंगजो फ्लेंगसिंग इलेक्ट्रॉनिक साइंस टेक्नोलॉजी का सोलर फार्म, ये चीन में अवेलेबल है आपका, ठीक, तो ये चीन में ये 320 मेगावाट, ठीक, और ये जगह जो है वो है सिक्सी में चेंगे, ये चाइना का एक शहर है जो जो किशांग जलाशय एक चाइना का है वहाँ ये स्थित है, यानी जो उसका है। संचालन वर्ष जो है ये अप्रैल 2020 में पूरा होना है, यानी पूरा हो गया है, यानी 2020 में ये पूरा हो गया, ये चल रहा है। तो अब आप समझिए जो चीन वाला है सोलर फ्लोटिंग सोलर प्लांट वो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। ये थर्ड नंबर पर कब आएगा, जब भारत का हो जाएगा, साउथ कोरिया का हो जाएगा, अगर भारत का पहले हुआ तो भारत नंबर एक पे हो जाएगा, अगर कोरिया पहले हो गया तो भारत नंबर दो पे आ जाएगा, तो वो वक्त बताएगा कि कौन नंबर एक और कौन नंबर दो आता है। उसके बाद चौथा जो है वो भी चीन में ही है, थ्री गॉर्ज न्यू एनर्जी का तैरता सोलर पार्क, ये क्षमता 150 मेगावाट का है, ये जो है चीन के पूर्वी प्रांत में हंगहुई में हुन्नान शहर में है, यानी हुन्नान शहर जो है वहाँ पे है, इसका संचालन वर्ष 2019 में हुआ, यानी आप समझिए कि जो पहला फर्स्ट इस तरह का बड़ा सोलर एनर्जी पार्क बना था तो यही था, यानी 2019 में ये सबसे बड़ा था, 2020 में आपका वो बना, तो इसी
जो है सोलर फार्म है ये जो चीन में, इसका हमने एनिमेशन बनाया है। वो एनिमेशन आप देखेंगे कि ये जो बना उसका क्या हुआ, उसका एनिमेशन हम लोग देखेंगे। और पांचवा जो है उसका नाम है श्रीटा जलाशय फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक यानी पीवी बिजली परियोजना, ये इंडोनेशिया में। तो इसकी क्षमता 145 मेगावाट है। इसका इंडोनेशिया के पश्चिम क्षेत्र जावा में सिराटा जगह पे जलाशय पे है। और ये 2022 में अपेक्षित, यानी 2022 में ये बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो पांचवा रैंक पे हो जाएगा विश्व का। तो ये था हमारे पांच फोटोवोल्टिक। अब ये आप यहां देख लेंगे पांचों के पांचों या तो चीन में है, या भारत में है, या साउथ कोरिया में है, या इंडोनेशिया में। इसका मतलब ये हो गया कि ये पांचों के पांचों जो हमारे हैं वो हमारे एशिया में ही है। तो एशिया जो है वो ग्रीन पावर का हब के रूप में उभर रहा है, चाहे वो सोलर पैनल हो, ग्रीन एनर्जी हो। तो काफी इस मामले में हमारे भारत सरकार भी पीछे नहीं है। भारत का क्या हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसमें वीडियो आने वाला है। इस सब पे जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये सारा वीडियो पहले ही इंग्लिश में आ चुका है। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में आपको 45 का 45 वीडियो मौजूद मिलेगा, उससे आप देख सकते हैं उसके क्या क्वेश्चन है वो भी देख सकते हैं, उसके आंसर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये है हमारा, यही जो हमने बताया कि चाइना के अनहुई में ये फोटो, ये 121 फुटबॉल फील्ड के बराबर का इतना बड़ा था, यानी 2019 में ये बना था, ये सबसे बड़ा विश्व का था। तो ये देखिए, ये देखिए, तो ये आप देखें तो ये 40 मेगावाट पावर प्लांट जो शुरू हुआ था उस वक्त हुआ था कैपेसिटी में, उसके बाद ये आपको 150 मेगावाट तक गया। और ये तकरीबन देखें कि ये जो रेन वाटर फ्लो द कोल माइन था, यहाँ पे कोल माइंस का सब्सिडेंस एरिया था, यानी जहाँ कोल माइन खत्म हो गया वहाँ वो पानी हो गया। तो ये आर्टिफिशियल, यानी आप देखें ओमकारेश्वर डैम देखें या जहाँ भी देखें, तो ज़्यादातर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो आर्टिफिशियल लेक पे ही बनाए जाते हैं। अब क्यों बनाए जाते हैं, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप हमारे जूम क्लास में शामिल हो, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको और विस्तृत रूप से जानना हो तो आप हमारे जूम क्लास में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इससे क्या हो गया कि ये, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाटर को कूल भी करेगा, तो पैनल क्या होगा कि इसको, जैसे वाटर कूल होगा तो इसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। आप जानते हैं जब कॉमन चीज़ है कि आपका कंप्यूटर गर्म हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, एसी में रख देते हैं फिर अच्छा से काम करने लगता है, तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कूलेंट होता है जिसको टेम्परेचर ऑप्टिमाइज चाहिए तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो यही है। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये फार्म जो है सो तकरीबन आप देखें तो 16,400 टन जो है कोल, जो स्टैंडर्ड कोल का ईयर जो था वो उसको ये उसको रिप्लेस किया, यानी उतना वो मतलब जो वायुमंडल में मिलता पॉल्यूशन उसको ये बचाएगा। उसी तरह से देखें तो ऑल्सो रिड्यूस सल्फर, यानी जो सल्फर होता है, जब हम जानते हैं कि जो बिजली का प्लांट होता है उससे जो गैस निकलता है उसमें सल्फर भी होता है, तो 1230 टन सल्फर इमिशन को रोकेगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। आप देखिए आगे उसी तरह से देखेंगे तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है 49,000 टन रोक रहा है। तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है, तो ये आप हमारे प्लेनेट के लिए काफी फायदेमंद है। दूसरा हम देखें कि ये जो कोल माइन के हुआ था तो ये तो एक है, उसके बाद आपको ये देखें तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम। और आप देखें तो इस मामले में जो, जैसे कि मैंने बताया कि एशियन जाइंट, जो एशिया का चीन है, इंडिया है, ये सब काफी ग्रीन एनर्जी में तरक्की कर रहे हैं। तो आप देखिए कि चाइना में काफी तेजी से ये बढ़ रहा है और चाइना तो लीड कर रहा है। आप देखें तो तकरीबन देखें कि इस फील्ड में चाइना ने $368 बिलियन का खर्च किया, इन्वेस्ट किया, कब से कब तक का, 2016 से 2020 के बीच में। और इससे हम देखें तो आप देखें कि इससे 13 मिलियन जॉब बना, यानी आप ये देख लें कि 1,30,00,000 जॉब इससे बना, इस तरह के ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। तो ये काफी महत्वपूर्ण था, ये छोटा सा एनिमेशन था जो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया कि कितना ये महत्वपूर्ण हो सकता है हमारा ग्रीन एनर्जी के लिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और आगे जो हमारा है कि ये यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखते हैं यूपीएससी के लिए प्रश्न।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तैरता हुआ फोटोवोल्टिक सोलर संयंत्र सौर ऊर्जा के एक टावर को पुनर्निर्देशित करने के लिए दर्पण का उपयोग करता है, यानी कि जो दर्पण का होता है वो करता है। एक दूसरा चॉइस आपका है, एक फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा केंद्रित प्रणाली जो है वो एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे स्थापित होता है और जिसमें सोलर पैनल के उपयोग किया जाता है, यानी सोलर पैनल का उपयोग करता है वो। जो कौन सा प्लांट? सौर ऊर्जा केंद्रित प्रणाली वाला प्लांट। तो ये दूसरा चॉइस है आपका। उपरोक्त कथन कथनों में से कौन सा सही है? चॉइस ए केवल एक, चॉइस बी केवल दो, चॉइस सी एक और दो दोनों, चॉइस डी न तो एक न तो दो। तो इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और अब आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि अक्टूबर में आपका एग्जाम है। तो आप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे ब्लॉग पे जाएंगे, वहाँ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे संडे को इसके रूप में। उसके बाद आप हमारे जितने भी वीडियो 45 क्वेश्चन तो हमारे वीडियो से आपको मिल जाएंगे, वो आप बना सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसको हर ग्रुप में भी शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा पिछले प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित पर विचार करें। ब्रह्मांड के हर बड़ी आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ये बिल्कुल सही है, ये आप अगर देखें बिल्कुल सही है। जितने भी हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हम अपनी गैलेक्सी में भी है और हर गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल का नाम सेगिटेरस ए है उसको कहा जाता है। ये गलत है, ये जो है सेगिटेरस ए, ये जो है ये आपका अपना गैलेक्सी यानी मिल्की वे में है ये जो है, तो ये गलत हो गया। आप ये गलत है। एबल 2261 गैलेक्सी का घना हिस्सा केंद्र में है, तो ये गलत है। मैंने बताया था, आप अगर पिछला वीडियो के बारे में आप देखे होंगे तो उसमें ये केंद्र से 200 लाइट ईयर दूर है, 2000 लाइट ईयर दूर है, यानी ये केंद्र से जो है एबल गैलेक्सी के 2000 लाइट ईयर दूर है वो जो है वहीं पे, तो वो रिकॉइलिंग ब्लैक होल का खोज कर रहा है। तो रिकॉइलिंग ब्लैक होल क्या है ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और आप जरूर इसको देख लें। तो उपरोक्त कथन कथनों में से कौन से सही हैं? चॉइस ए केवल एक, बिल्कुल ये सही है, केवल एक ही सही है बाकी नहीं है, तो ये सही है आपका। चॉइस बी एक और दो, ये भी गलत, एक और तीन ये भी गलत, उपरोक्त सभी ये भी गलत, तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर आपका हो गया, उत्तर हो गया आपका ए। तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। तो चलिए, ये था हमारा विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना। इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि ये सबसे बड़ी परियोजना क्या है, विश्व के पांच कौन कौन से बड़े तैरते संयंत्र है इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने यह भी जाना कि तैरते सोलर प्लांट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।